हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो, अच्छा ही होगा। मैं शिवम और आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल में परसिस्टेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर नेटवर्क पे रेड क्रॉस मार्क के बारे में। आखिर ऐसा ये क्यों होता है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि मेरा यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं कर पा रहा है, इंटरनेट नॉट कनेक्टेड करके बता रहा है, नो इंटर कनेक्शन आर अवेलेबल। तो ऐसा क्यों होता है ये? तो हम इसी के बारे में आज इसके बारे में जानेंगे। कभी कभी ये भी होता है टेक्निकल इशू के कारण हमारे ड्राइवर इथरनेट ड्राइवर हमारे इंस्टॉल नहीं होते हैं सिस्टम के अंदर, तो ये मार्क आते हैं। कभी कभी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ से आपका इंटरनेट नहीं रहता है तो अभी एक इशू की वजह से आ सकता है, बट वहाँ पे आपको एक येलो मार्क आता है, ट्राइंगल ट्रबल शूट का वहाँ पे आता है। बट ये रेड क्रॉस मार्क जब आपका नेटवर्क डाउन होता था तो नहीं आता है। तो इसमें दो दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारे ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होंगे हमारे विंडोज 10 के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे इथरनेट ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको विंडो सर्च में कंट्रोल पैनल आपको सर्च करना है। कंट्रोल पैनल आपको सर्च कर लेने से करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। कंट्रोल पैनल पैनल ओपन करने के बाद आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आपको जाना है। बट इधर जाने से पहले आपको एक बार सारे आपके माइनस अपने ड्राइवर्स को चेक करने हैं कि आपके ड्राइवर प्रॉपर हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करने हैं। दिस पीसी पर राइट क्लिक करने के बाद आपको मैनेज में जा करके मैनेज में जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट का दिखेगा। फिर आपको इसके बाद आपको जो जाना है डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है। डिवाइस मैनेजर में आपको क्लिक करना है। तो हम बात कर रहे थे इथरनेट के लिए, इथरनेट के बारे में, क्या हमारे ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं जेन्युइन। तो हमें उससे चेक करने के लिए हमें सबसे पहले हमें सभी ड्राइवर्स को चेक करने पड़ेंगे एक एक करके। इथरनेट में भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं और भी आपको पता करना है कि और भी क्या कौन से ड्राइव इंस्टॉल नहीं हुए हैं, तो एक बार आप भी जाके चेक कर सकते हैं। मेरा ऑडियो का सही है, एड्रेस भी सही है, बायोमेट्रिक भी, ब्लूटूथ भी मेरा इंस्टॉल है और कंप्यूटर्स भी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक तो मुझे कोई इशू नहीं आया, मेरे सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल है और मैं चेक करते जा रहा हूँ। और ये भी इंस्टॉल है, ये भी इंस्टॉल है, माउस, मॉनिटर्स, नेटवर्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क, आप डायरेक्ट डिवाइस मैनेजर को ओपन करके नेटवर्क पे भी आप आकर के चेक कर सकते हैं। बट मैं एक बार आपको इसके लिए आपको मैंने बताया ताकि अगर आप डाउनलोड करते हो, अगर जेन्युइन आपका ड्राइवर्स मिसिंग है तो आपने एक बार पूरा चेक किया है, नहीं चेक किया और डायरेक्ट आपने इस पे किया है तो आप इसका प्रॉब्लम तो आप रिजॉल्व कर लोगे, बट फिर दूसरा प्रॉब्लम एक रहेगा, फिर से आपको करना पड़ेगा। तो एक तो चेक लिस्ट एक आप बना लीजिए वहाँ पे जाने के बाद कि क्या क्या ड्राइवर्स हैं और क्या क्या नहीं है। तो एक बार हमारा चेक लिस्ट तैयारी है तो हम जा करके किसी भी अदर सिस्टम पे जा करके हम वो ड्राइवर्स को इंस्टॉल डाउनलोड करके हम इस सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें प्रॉब्लम है। तो सारे हैं और यहाँ पे भी आप नेटवर्क देख सकते हैं, सारे इथरनेट का भी हमारा है ये है। तो फिर आपको इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कंट्रोल पैनल ओपन करने हैं, कंट्रोल पैनल में आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाने हैं। यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का कुछ इस तरीके का आपको विंडोज़ ओपन आएगा, इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको इसमें आपको चेंज एडाप्टर ऑप्शन पे क्लिक सेटिंग पे क्लिक करने हैं। मोस्ट ऑफ पीसी में सिस्टम में आपका चेंज एडाप्टर ऑप्शन भी रहते हैं नाम से, बट इसमें मेरा चेंज एडाप्टर सेटिंग के नाम से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सारे इथरनेट और वाईफाई डिसेबल है।
तो यहाँ से आप सिंपली इनेबल दिस नेटवर्क डिवाइस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा इथरनेट इनेबल हो गया और आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरनेट मेरा काम कर रहा है, इथरनेट मेरा काम कर रहा है और वाईफाई मेरा डिसेबल है, तो मैं इसे भी इनेबल यहाँ से मैं कर लेता हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आगे आप किस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं और ये वीडियो कैसा बना है। प्लीज़